गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे टीम इनविंसिबल की तरफ से। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस शब्द का अर्थ नहीं पता है, जो कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जाना है। मैंने बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत बड़े बड़े लीडर्स, मतलब जिन्हें 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब से जितना मुझे मेरे करियर में टाइम नहीं हुआ होगा उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट उन्हें भी इस शब्द का मतलब नहीं पता है। बहुत बड़े बड़े टॉप लीडर से मेरी बात हुई है और पैरेलल बात हो रही है, जो मुझे रीज़न पूछते हैं कि एटमी आप जो कर रहे हैं वो तो अभी आई नहीं है, तो फिर आप इसे जो प्री लॉन्च में करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे आपका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशली उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें प्री लॉन्च वर्ड का अर्थ समझ में नहीं आता है, और जिन्हें प्री लॉन्च वर्ड का जो शब्द का अर्थ है उसे उसका मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, तो मैं एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल के थ्रू आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि जो भी नए इस YouTube चैनल पर जुड़ रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये वीडियो सारा का सारा जो है एक डिटेल रिसर्च प्रोग्राम है, और इसे किसी तरीके से मिसयूज ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर सर्कुलेट करना है तो आप मेरे वीडियो लिंक या चैनल का यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सर्कुलेट कर सकते हैं। ओके, और वीडियो शुरुआत करने के पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इसके रेगुलर जो भी अपडेट्स हैं, एटमी रिलेटेड अपडेट्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अपडेट्स, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी खबरें जो हम लोग स्पेशली जो चैनल बनाया हुआ था उसका रीज़न सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग की आप लोगों तक पहुँचा जा सके, जो कि यूट्यूब के किसी भी चैनल पर अवेलेबल नहीं है। तो मेरी कोशिश रहेगी वो पहुँचाने की आप तक। ओके, और मेरे बारे में काफ़ी लोग जो जानते नहीं हैं, आप प्लीज़ मेरी डिटेल जो है वो गूगल कर सकते हैं। मेरा नाम रितेश रंगारे है, मैं भोपाल का एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं भोपाल के मल्टीपल वेंचर्स में एसोसिएटेड हूँ। मेरी काफ़ी जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी। और आज जितने भी नए व्यूअर्स हमें जुड़ रहे हैं उसमें से बहुत सारे आप लोग उसमें नेटवर्कर हो सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि किसी भी कंपनी में अगर आप एसोसिएट होते हैं तो नो मैटर कंपनी कितनी भी बड़ी हो, कितना भी ह्यूज प्रोफाइल क्यों ना हो, जब तक अगर आप एक राइट टीम, राइट लीडरशिप, राइट मेंटोरशिप अगर आप तक नहीं पहुंचती है तो काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है आपकी सक्सेस पे। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को फेल होते हुए देखा है इस इंडस्ट्री में, और उसका मेजर रीज़न ये नहीं होता है कि कंपनी अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्लान अच्छी नहीं है, उसका मेजर रीज़न होता है सही टीम से एसोसिएट ना होना। तो टीम इनविंसिबल की तरफ से मैं आपको एक अच्छा सपोर्ट और अच्छा स्मार्ट पावर, स्मार्ट सपोर्ट और जो भी यूजफुल रिसोर्सेज है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की हेल्प करूँगा। ओके, ये गाइज आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी और सजेशन आ रहे थे कि मेरे वीडियोस की लेंथ थोड़ी बड़ी होती है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे वीडियो एक तो रिसर्च बेस्ड है, सेकेंड कि ये इतने फ्रीक्वेंट वीडियोज़ मैं क्रिएट करता हूँ कि उसको एडिट करने के लिए, एडिटिंग इन सेंस कि कोई स्पेशल इफेक्ट ऐड नहीं बात कर रहा हूँ, एडिटिंग जैसे मूवी एडिट होती है तो उसमें मूवी का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जब वो मूवी क्रिएट होती है ना, और जब उसको एडिट किया जाता है तो उसमें अननेसेसरी पार्ट जो है वो कट डाउन किए जाते हैं। मेरे पास में या मेरी टीम के पास में थोड़ा समय की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम लोग उस सारे एक्सपेक्ट पे जो है ध्यान दे सकें। तो जो भी वीडियो रॉ कंटेंट क्रिएट होता है मैं अपलोड कर देता हूँ, और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा समझदारी रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना, और ये जो भी कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा हूँ उसके एटलीस्ट उस चीज़ को लेकर वैल्यू रखें, क्योंकि समय नहीं है और बैक टू बैक इतने सारे चीज़ें सिखानी है, चीज़ें बतानी है आप लोगों तक पहुंचानी है, कि मैं उसमें ज़्यादा समय देना भी नहीं चाहता पर्टिकुलर वीडियो एडिटिंग में। अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को एडिट करूं तो वो हो सकता है शॉर्ट बहुत ज़्यादा किया जा सके, लेकिन ये रॉ वीडियो रहता है, वन शॉट में रिकॉर्ड किया जाता है और आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो प्लीज़ आप उस पार्ट को लेके पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी से क्वालिटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। ओके, तो गाइज आज का ये टॉपिक है, टॉपिक मैं एक हैशटैग चलाने की सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले आप हैशटैग चलाइए कि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी सुनामी के नाम से हैशटैग चलाइए, जो भी एटमी के मेंबर्स हैं और जो नए नए मेंबर्स स्पेशली हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उनके लिए आज का ये टॉपिक है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट एटमी में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स मैंने देखे हैं जिन्हें जो जुड़ गए हैं और जो एटमी के सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उन्हें आज तक समझ में नहीं आया है कि प्री लॉन्च है क्या। ठीक है, तो मैं आपको इतना क्रिस्प, इतना शार्प, इतना पावरफुल, इतना इफेक्टिव एग्जांपल देने वाला हूं, जिसे आपको पता है कि मेरे सारे वीडियो में बहुत ही पावरफुल एग्जांपल लॉजिक और फैक्ट के साथ में, फिगर के साथ में रखता हूं, तो ये वीडियो भी वैसा ही है।
बहुत क्विक वीडियो रहेगा, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा लोगों को समझाने के लिए कि प्री लॉन्च होता क्या है। किसी को नहीं पता है प्री लॉन्च क्या होता है, सिर्फ लोग उसे ये सोच के चल रहे हैं शुरुआती दौर में जुड़ने से आपका फ़ायदा हो जाएगा एंड ऑल। मैं आपको समझाऊंगा कि होगा क्या आखिर शुरुआती दौर में, कंपनी आई नहीं है, कंपनी के आने के पहले ही जुड़ने से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मैं एक से एक स्टेप सारी डिटेल जो है आप लोगों तक शेयर करूँगा। तो इस टॉपिक में जो मेजर चीज़ कवर होने जा रही है गाइज, वो ये है कि एटमी में, एटमी का जो प्री लॉन्च है उसमें जुड़ने का फ़ायदा क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो लॉन्च के बाद में किन लोगों को नहीं मिलने वाला है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके गाइज, तो ये है मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल और बहुत सटीक तरीका जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्री लॉन्च होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम लोगों ने बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से, आपने भी इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी होगी, लेकिन मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूँ जो सबसे बड़ा उदाहरण है प्री लॉन्च का और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिससे प्री लॉन्च का बहुत सारे लोगों से फ़ायदा हुआ था। तो पेटीएम का नाम आई होप आप में से हर किसी व्यक्ति ने सुना होगा, हम में से हर व्यक्ति पेटीएम यूज़ कर रहा है ना। ये एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, और जिस टाइम पे कैश लैश हुआ था इंडिया, जिस टाइम पे नोटबंदी हुई थी, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड स्टार्टअप था वो ये था, ठीक है। और इसको मैं आपको बहुत अच्छे से जो है पेटीएम के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्टअप इंडस्ट्री में गाइज एक टर्म होती है, उस टर्म का नाम कहलाता है ईशॉप, कहते हैं उसे। इस ईशॉप का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। ईशॉप क्या होता है? ईशॉप ये होता है कि जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई स्टार्टअप स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तो पेटीएम से कैसे समझेंगे, जब पेटीएम स्टार्ट नहीं हुआ था, जब पेटीएम का लॉन्च था, और करीब आज से 10 साल हो गया होगा, 10 या 11 साल हो गया होगा, तो 10-11 साल पहले जब पेटीएम का लॉन्च किया जा रहा था, तो जब इनके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, तो जब इसके फाउंडर ने स्टार्ट किया था, पेटीएम स्टार्ट किया था, तो उनकी कुछ एक कहानी है। तो जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो जाहिर सी बात है कि स्टार्टिंग में किसी भी स्टार्टअप के पास में इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो अचानक से एक बड़ा प्रोडक्ट बना सके, और पेटीएम टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक डिसेंट कैपिटल लगता है, ठीक है। तो जब कैपिटल नहीं होता है तो कंपनी जनरली क्या करती है, मेरे पास में भी कुछ सर्टेन ऐसी कंपनीज है जिसमें मैंने ईशॉप प्लान चला के रखा हुआ है। तो ईशॉप प्लान में यह होता है कि हम लोग कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ जो पार्टनर्स हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ को ही हम लोग अपने कंपनी के पार्टनर्स बना लेते हैं, ठीक है। और हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग उन्हें कोई सैलरी नहीं दे पाते हैं, या कम सैलरी पे करते हैं, या हम लोग जीरो सैलरी पे करते हैं, और हम लोग उन्हें बोलते हैं कि हम एक कंपनी का सर्टेन शेयर जो है वो आपको दे देंगे। तो सिमिलर हुई थी पेटीएम में, पेटीएम जब स्टार्ट हुआ था तो कुछ एम्प्लॉयज जो थे स्टार्टिंग के एम्प्लॉयज, उन्हें एक आप बोल सकते हैं कि बहुत लोवेस्ट सैलरी या ऑलमोस्ट जीरो सैलरी पे उन्होंने काम किया था बहुत सर्टेन टाइम तक, और जब तक पेटीएम का प्रोडक्ट रेडी नहीं हो गया था। पेटीएम का प्रोडक्ट मतलब पेटीएम का जो आप एप्लीकेशन चलाना देख रहे हैं अभी, तो वो पेटीएम एप्लीकेशन रेडी नहीं हुआ था। और उसका मतलब क्या हुआ, उसका उस स्टेज को जो बोला जाता है, उस स्टेज को बोला जाता है प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग मतलब से कोई भी प्रोडक्ट का एक ऐसा वर्जन जिसको आप मार्केट में अगर लॉन्च करना हो तो उसका एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत आसान शब्दों में समझाने की इसको कोशिश करूं तो पेटीएम का एप्लीकेशन उस टाइम नहीं बना था, और जिस समय एप्लीकेशन नहीं बना था तब पेटीएम के फाउंडर जो हैं विजय शेखर शर्मा जी, उन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉयज और कुछ अपने दोस्त और कुछ अपने जो भी आप बोल सकते हैं कुछ सर्टेन पार्टनर्स, उन्हें काइंड ऑफ फ्री में या उनको ये बोल दिया था कि लेट्स से मैं आपका अगर घर यूज़ कर रहा हूँ, उसका रेंट नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके बदले में आप 2% शेयर रख लीजिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ ये। या फिर किसी एम्प्लॉय को बोला कि एम्प्लॉय की सैलरी मान लीजिए कि वो कोई एक अच्छी कंपनी में प्लेस्ड डेवलपर है, बहुत अच्छा डेवलपर है, बहुत अच्छे से कोडिंग वगैरह कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एप्लीकेशन बना सकते हैं और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो उन लोगों को हायर करने के लिए विजय शेखर शर्मा के पास में लेट से पैसे नहीं थे, या ऑपरेशन के लिए मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक सर्टेन लोगों को अपने सपोर्ट में खड़ा किया, उन्हें बोला कि ये कंपनी जो है अगले 10 साल के बाद में सर्टेन ये पर्टिकुलर स्टेज में पहुंचने वाली है, ये कंपनी की बिलियन डॉलर कंपनी बनने वाली है। और उस समय जब विजय शेखर शर्मा सर के विजन पे और उनके ड्रीम्स पे जितने लोगों ने भरोसा किया, उनमें से कुछ सर्टेन लोगों ने उसमें कुछ पैसे से हेल्प की, या फिर कुछ अपनी सर्विस से हेल्प की। लेट से कि किसी को प्रोग्रामिंग आती है, किसी को यूआई यूएक्स डेवलपमेंट आता है, या फ्रंट एंड डेवलपमेंट आता है, या बैक एंड डेवलपमेंट आता है, तो जो भी आता है उन्होंने अपनी सर्विस दी, और सर्विस के अगेंस्ट में एक सर्टेन शेयर ले लिया। तो सर्विस दी तो सर्विस के अगेंस्ट में उनको कोई भी सैलरी नहीं मिल रही थी, लगभग 8 महीने 10 महीने 1 साल आप मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक
ऐसे प्रोडक्ट को बनने में करीब करीब जो समय लगता है वो करीब मान सकते हैं आप 8 महीने से 10 महीने या 1 साल भी लग सकता है, और इसमें रेगुलर जो है अपडेट आते रहते हैं हम। तो सिमिलरली तो ये स्टार्टअप इंडस्ट्री में एक ही कॉमन मॉडल है, बहुत कॉमन मॉडल है। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है और 2-3 फाउंडर उसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने के इमीडिएट बाद में लेट से कि कोई एक बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल वाला कोई व्यक्ति है और उसको उसने पार्टनर बना लिया, या कोई सर्टेन और या कोई सर्टेन आप बोल सकते हैं कि 4-5 एम्प्लॉयज़ की अगर उन्हें टीम चाहिए, तो उन्हें सैलरी की जगह पे ईसॉप ऑफर किया जाता है। ईसॉप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान, इसका मतलब कंपनी के एक सर्टेन शेयर ऑफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। उस शेयर की वैल्यू उस समय पे जीरो रहती है जिस समय में कोई भी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज है उनको ऑफर करती है, ठीक है। लेकिन जादू कब होता है? जादू होता है एक सर्टेन टाइम के बाद में, जब पेटीएम का प्री लॉन्च था और पेटीएम के करीब करीब कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, मैं आगे अगली स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, कुछ एम्प्लॉयज़ को जब ये पेटीएम के शेयर दिए गए थे तब उसकी वैल्यू जीरो थी, ठीक है, उसकी वैल्यू कम्प्लीटली जीरो थी। लेकिन एक सही समय के बाद में विजय शेखर शर्मा सर का ये बिलीव था कि ये कंपनी जो है $1 बिलियन कंपनी बनने वाली है, उनकी विजन पे, उनकी ड्रीम्स पे, उनके तरीकों पे लोगों ने भरोसा किया। कुछ लोगों ने उन्हें सर्विस दी, कुछ लोगों ने उन्हें पैसे से सपोर्ट किया, अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया। उसके अगेंस्ट में उनको एक पर्टिकुलर जो है शेयर होल्डिंग ऑफर की गई, और ई शॉप में ऐसा था कि मान लीजिए कि 2% कंपनी के शेयर है तो 2% शेयर 20 एम्प्लॉयज़ को दे दिए गए, और इन फ्यूचर में उस शेयर की वैल्यू जितनी भी होने वाली थी उस शेयर वैल्यू के अगेंस्ट में जितना भी पैसा बनने वाला था वो सारा उन्हें एम्प्लॉयज़ का होने वाला था। तो इसके बाद में क्या हुआ गाइज, 2018 में, मतलब शायद से 2010 में पेटीएम लॉन्च हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो पेटीएम 2010 में लॉन्च हुआ था, और 2018 में जैसे ही क्या बोलते हैं पेटीएम के शेयर बाउंस किए, तो शेयर बाउंस करने के बाद में $50 मिलियन की शेयर उनकी कीमत बनी। टोटल जो कीमत बनी वो शेयर्स की वो $50 मिलियन बनी। उसकी कीमत अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से अभी हम लोग देखें तो वो करीब 300 करोड़ के ऊपर है, 379 करोड़, 379 करोड़। तो 379 करोड़ रुपीस के शेयर जिस समय पेटीएम लॉन्च हुआ था, प्री लॉन्च के समय पे, जब विजय शेखर शर्मा अपने एम्प्लॉयज़ को ये कन्विंस कर रहे थे कि ये फ्यूचर में $1 बिलियन कंपनी बनने वाली है, तो बहुत सारे लोगों ने, जाहिर सी बात है, कुछ लोगों ने भरोसा किया, कुछ लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने भरोसा किया उसको मैं आपको बताता हूँ कि उनका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। जिन लोगों ने भी भरोसा किया वो एक सर्टेन टाइम के बाद में 200 के आसपास पेटीएम एम्प्लॉयज़ ने टोटल इन्हें सपोर्ट किया था, मतलब 200 एम्प्लॉयज़ के पास में पेटीएम की शेयर होल्डिंग थी। उसमें से सबसे शुरुआत में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, तो आप ये देख सकते हैं कि 20 करीब उसमें जो एम्प्लॉयज़ थे शुरुआती समय से जुड़े हुए थे, उसमें से हर एक इंडिविजुअल के पास में करीब करीब 6 से 7 करोड़ रुपए आया, और उसमें से एक ऑफिस बॉय भी था, उस ऑफिस बॉय के पास में भी करीब करीब 20 लाख रुपये की अर्निंग हुई थी, ठीक है। तो गाइज ये होता है प्री लॉन्च, ये होता है प्री लॉन्च, और ये दुनिया के हर स्टार्टअप में, ये जनरली एमएलएम इंडस्ट्री में, या हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड नहीं है, इसलिए काफ़ी लोगों को प्री लॉन्च का मतलब नहीं समझता, और हम लोग प्री लॉन्च अपने तरीके से, मैंने देखा है काफ़ी लीडर्स को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हुई, बट फिर भी समझ में नहीं आता है लोगों को। लोग हमेशा यही क्वेश्चन करते हैं कि आप फ्री में क्यों काम कर रहे हैं, और फ्री में काम करने से क्या होगा। तो सर जिन्हें अब आई थिंक पेटीएम के एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, तो फ्री में काम करने से ये होगा, ठीक है। अभी हमारे केस में कंपनी के शेयर नहीं है, बट हमारे केस में कंपनी की पोजीशन है, ठीक है। एटमी स्टार्ट हुआ है, एटमी स्टार्टिंग में शुरुआती दो, मान लीजिए कि जैसे पेटीएम स्टार्ट हुआ तो पेटीएम के शुरुआती 1 साल में वो प्रोडक्ट नहीं बना होगा। प्रोडक्ट बनने के बाद में उन्हें 8 साल करीब वेट करना पड़ा, लेकिन 8 साल के बाद में हर एक इंडिविजुअल के पास में 6 से 7 करोड़ रुपए के आसपास का एक अमाउंट बन गया, और वो कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं, कंपनी में काम भी कर रहे हैं, और कंपनी के शेयर बेच के उन्होंने एक अच्छा खासा पैसा भी बना लिया। सिमिलरली एटमी में यही सिचुएशन अभी है 2020 में। तो जो भी व्यक्ति अभी काम कर रहा है, जिन्होंने बहुत बड़ी टीम बिल्ड कर ली है, वो सारे के सारे उसी स्टेज पे हैं जिस स्टेज पे पेटीएम 2010 में था, ठीक है। और हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी लोग अभी जो मिलके एक टीम जनरेट कर रहे हैं, तो टीम जनरेशन में डेफिनेट सी बात है कि हमें उसके अगेंस्ट में कोई सर्टेन पे आउट वगैरह नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा जो है हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़े लेवल पर मिलने वाला है। क्योंकि अभी जितने लोग अच्छे मेहनत से काम कर रहे हैं, उसी में से कुछ एग्जाम्पल आप आगे आने वाले 1 या 2 सालों के अंदर में देखेंगे, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आप देखेंगे। और ये पेटीएम नहीं, इसी तरीके से दुनिया के सारे बड़े बिजनेस मॉडल स्टार्टअप, या आप बोल सकते हैं अमेजोन में भी हुआ होगा ऐसा, फ्लिपकार्ट में भी हुआ होगा, ओला में भी हुआ होगा, उबर में भी हुआ होगा,
जितने भी स्टार्टअप्स आप देखते हैं, ई शॉप जो रहता है वो एक बहुत कॉमन मॉडल होता है काम करने का, ठीक है, एम्प्लॉय ओनरशिप प्लान। तो समझिए वो जो 20 एम्प्लॉय जिन्होंने स्टार्टिंग में भरोसा किया था, वो हर एक इंडिविजुअल के पास में कंपनी का करीब करीब 6-7 करोड़ रुपए जो है शेयर होल्डिंग से कमा सके हैं। सिमिलर सिचुएशन एटमी की अभी है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ये समझाने का तरीका कि प्री लॉन्च होता क्या है, उसका महत्व, ठीक है। इसके पहले आई डोंट थिंक कि ऐसा किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी लीडर ने समझाया होगा। और बहुत सारे जो बड़े लीडर्स होते हैं, टॉप लीडर्स, जिन्हें 20 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के कारण वो इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे उन्हें अगर हम लोग प्री लॉन्च समझाने की भी कोशिश करते हैं तो वो समझने को रेडी नहीं होते। तो शायद जितने भी बड़े एक्सपीरियंस होल्डर लीडर्स भी हैं, उन लोगों के लिए ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए। और ऐसे ही अगर आप गूगल करेंगे कि ई शॉप के स्टार्टअप्स कितने हैं इंडिया में, तो आपको लिस्ट ऑफ स्टार्टअप्स मिल जाएंगे। उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टार्टअप्स ने कितना पैसा बनाया हुआ है। और ये एक बहुत कॉमन मॉडल चलता है इंडस्ट्री में, स्टार्टअप इंडस्ट्री में, है ना। और इनकेस अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स पर मेरे से शेयर कर सकते हैं। अब मैंने आपको ये समझा दिया है कि पेटीएम का प्री लॉन्च क्या है, प्री लॉन्च होता क्या है, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एटमी के प्री लॉन्च में जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला, सबसे बड़ा फायदा एटमी के प्री लॉन्च में जुड़ने का। तो सबसे पहली बात क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं शुरुआत करेंगे और लॉन्च के बाद में, और डेफिनेट सी बात है जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन आप जीरो से शुरुआत करोगे, ठीक है। और वहीं पे जो प्री लॉन्च में जुड़ चुका है, प्री लॉन्च में जुड़ चुका है, तो वो एक बनी बनी टीम के साथ में लॉन्च करेगा और उसी दिन शुरुआत करेगा, ठीक है। ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई जो बहुत सारे लीडर्स ने बता दी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट आज तक किसी को समझ में नहीं आया है या समझाने की कोशिश नहीं की गई है। मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे बड़ी बात है मास्टरशिप बोनस और रैंक अचीव करने में आपको लॉन्च के बाद में एक टाइम लगेगा, और प्री लॉन्च में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको मास्टरशिप बोनस या मास्टरशिप बोनस अचीव करने में या रैंक अचीव करने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। उसका मैं आपको लॉजिकल रीजन समझाता हूँ। मान लीजिए आपने शुरुआत करके अभी करीब करीब लॉन्च के पहले 500 से 1000 लोगों की एक टीम बना दी है। अब आप समझिए सारे के सारे आपके पास में मेंबर्स हैं, जिस दिन लॉन्च होता है आपको सिंपली हर एक व्यक्ति को कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके सिर्फ ये बताना है कि आपको अपनी आईडी ग्रीन करवानी है, ठीक है। अब मास्टरशिप बोनस का जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है 15 दिन का, ठीक है। अब जो व्यक्ति लॉन्च के बाद में एटमी स्टार्ट करेगा उसको परेशानी क्या होने वाली है, उसे वो 500-1000 लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए लेट से 15 दिन, लेट से 1 महीना लग रहा है, 15 दिन लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने लग रहे हैं। अगर 15 दिनों में उसने वो नेटवर्क क्रिएट कर लिया और उनसे जो है आईडी जो है वो ग्रीन करवा ली, तो डेफिनेटली नो डाउट उसको फायदा होने वाला है। बट अगर नहीं करवाई, अगर उसको 3 महीने लग गया, तो 3 महीने बाद में जब वो रिपर्चेस करेंगे या फिर वो नए लोगों को जब जोड़ेंगे, नए मेंबर्स बनाएंगे, तब जाके उनका मास्टरशिप लेवल जो है वो अचीव होगा। बहुत अच्छे से समझना ये बात, बहुत काम की बात समझा रहा हूँ। और अभी अगर आपने वहीं पे 500,000, 2,000, 10,000, 50,000 जितनी भी टीम बना ली, आपको सिर्फ एक कॉल करना है, आप पहले से दूसरे महीने के अंदर में एनी हाउ सारे के सारे लेवल्स या एक सर्टेन लेवल आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। कम से कम आप सेल्स मास्टर एनी हाउ आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो आसानी होगी आपको, क्यों? क्योंकि आपकी बनी बनाई टीम होगी, उस बनी बनाई टीम का आपको सिर्फ फॉलोअप करना होगा। सिर्फ 1000 लोगों की टीम बनी है, उनको एक कॉल करना होगा, अपनी टीम के थ्रू कॉल करवाना होगा, टॉप लीडर्स के थ्रू कॉल करवाना होगा। जैसे ही वो लोग उन्हें कॉल करेंगे, वो 1000 लोग मिलके अगर उसमें से 40-50% लोग भी 15 दिन के अंदर इमीडिएट आईडी एक्टिवेट करते हैं, तो आपका पहला लेवल क्लियर हो गया होगा। यहां पे नहीं होगा, आप पूरा कैलकुलेशन लगा के देख लीजिएगा, लॉन्च के बाद में नहीं होगा, क्योंकि लॉन्च के बाद में आप एक एक व्यक्ति को वापस ऐड करना, डुप्लीकेट करना स्टार्ट करेंगे। उस प्रोसेस में आप 3-4 महीने निकाल चुके होंगे, तब तक जो प्री लॉन्च में जो लोग थे वो ऑलरेडी मास्टरशिप बोनस अचीव कर चुके होंगे। देखिए लॉन्च के समय में बाइनरी तो आपको मिल ही जाएगा, बाइनरी तो नो डाउट मिल जाएगा, बट हर व्यक्ति जो यहां पर काम कर रहा है वो मास्टरशिप बोनस के लिए कर रहा है, ठीक है। तो मास्टरशिप बोनस आपको सबसे ज्यादा जो आपको फायदा मिलेगा वो मिलेगा आपको प्री लॉन्च के समय में ज्वाइन करने से, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, मैंने बहुत ही, और ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि हर व्यक्ति मास्टरशिप बोनस के लिए काम कर रहा है, और मास्टरशिप बोनस निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि अभी आप बहुत सारी ज्वाइनिंग, बहुत बल्क में ज्वाइनिंग और बहुत बड़ा टीम स्ट्रक्चर रेडी कर लें। जैसे ही रेडी हो जाता है और फर्स्ट 15 डेज में आप ट्राई करें कि इमीडिएट सारी की सारी आईडी ग्रीन कराने का, जितनी ज्यादा आईडी आप ग्रीन करा सके, जितनी ज्यादा आईडी आप ग्रीन करा सकेंगे उतने ज्यादा नेक्स्ट 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 लेवल तक पहुंच
पाएंगे, और जो व्यक्ति आफ्टर लॉन्च ज्वाइन करेगा उन्हें 3 महीने, 6 महीने और 8 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि उनके पास में वो 1000 लोगों की टीम क्रिएट करने में जितना समय लगेगा उनको वापस रिपर्चेस कराना और उनको वापस रीएक्टिवेट करने में एक सर्टेन समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात की है जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग समझती है उनके हिसाब से, लेकिन मैंने पिछले जो एग्जाम्पल दिए हैं प्री लॉन्च के वो हर व्यक्ति के लिए है। प्री लॉन्च में आप समझ सकते हैं कि प्री लॉन्च में जुड़ने का फायदा क्या होता है, और पेटीएम ही नहीं बहुत सारे ऐसे दूसरे और बड़े एग्जाम्पल भी हैं, आप एक बार गूगल करके देखिएगा तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो गाइज जैसे कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, अब आप इसमें से कौन सा माइंडसेट वाले व्यक्ति है वो आप पे डिपेंड करता है। अभी भी अगर आप सोच रहे हैं जब होगा तब देखेंगे तो यू आर वेलकम, और अगर अभी आप वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट व्यक्ति हैं जो जैसा कि मैं हूं और बाकी की टीम है तो डेफिनेटली आपका स्वागत है, तब भी आपका स्वागत है, इस स्टेज पे हैं तब भी आपका स्वागत है, और ऑप्टिमिस्ट हैं तो भी आपका स्वागत है। ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या माइंडसेट रखते हैं और कितना ज़्यादा क्विक डिसीजन लेते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, ये था मेरे तरफ से आज एक बहुत ही ज़्यादा क्विक इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टार्ट करना है एटमी में तो इमीडिएट आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं, टीम एटमी इनविंसिबल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी प्री लॉन्च नहीं पता है, बहुत सारी टीम ज्वाइन हो गई है, बहुत बड़ा टीम स्ट्रक्चर बन गया है, बट एटमी मतलब प्री लॉन्च को समझाने का इससे इफेक्टिव वीडियो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है ना, और आई कैन चैलेंज ऑन दैट, मतलब वो वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, टैग करें, और इसके बाद में मैं कुछ और नए टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में जल्दी आपको ज्वाइन करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, कमेंट पे बताएं ये वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।